हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्ट्रॉन्गल नाम सुन एपिसोड नंबर 3 को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि नाम सुन बोंगो की शॉप के बाहर होती है और बोंगो उसको कहता है कि शॉप क्लोज हो गई है। तो वो वहाँ से जाने ही लगती है, तभी बोंगो कहता है ठीक है मैं शॉप ओपन कर देता हूँ, तुम फोटो क्लिक करा लो। तभी नाम सुन के पास हीशिक की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि वो चोर पकड़ी गई है, तुम्हारा सामान भी मिल गया, तुम्हारा पासपोर्ट भी मिल गया है, तुम पुलिस स्टेशन से अपना सामान कलेक्ट कर लो। नाम सुन बोंगो को कहती है कि अब फ़ोटो क्लिक कराने की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी बोंगो को कुछ फील होता है और वो उसको देखने के लिए जाता है, तो देखता है कि वो वहाँ से चली ही गई होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नाम सुन पुलिस स्टेशन में होती है और लेडी ऑफिसर जी हूँ उसको उसका पर्स देती है और कहती है कि उस चोर ने तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसमें सिर्फ तुम्हारा पासपोर्ट है और अगर तुम पैसे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें केस फाइल करना होगा। तभी हीशिक वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम्हें केस फाइल करना ही चाहिए। तभी एक लेडी पीछे से आती है और कहती है कि केस तो मैं इस पे करूँगी, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं और उनकी कमर की हड्डी टूट गई है। तभी वो अपने फ़ोन में वीडियो दिखाने लगती है कि किस तरह से नाम सुन ने उसको मारा था और वो उसको कहती है कि तुम्हें सारे हॉस्पिटल के बिल देने होंगे। तभी हीशिक कहता है कि तुम क्या कह रही हो, एक पतली दुबली लड़की एक किसी को ऐसे मार सकती है क्या? तभी नामसुन एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही उसके हस्बैंड को फेंका था। नामसुन उस लेडी को कहती है कि जब आप अपने हस्बैंड को मिलें तो कह देना कि मैं सॉरी हूँ, लेकिन लड़ाई पहले उन्होंने ही शुरू की थी, वो मेरे दोस्तों को मार रहे थे और एक केस मैं भी उन पर फाइल करूँगी मेरे दोस्तों को मारने के खिलाफ। हीशिक पूछता है तुम क्या कह रही हो, क्या तुमने सच में ऐसा किया था? तभी नामसुन कहती है सिर्फ मैंने एक उंगली का इस्तेमाल किया था, अगर मैं पूरे हाथ का इस्तेमाल करती तो वो मर सकता था क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नामसुन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही होती है और हीशिक भी उसके पीछे पीछे आता है, उसको कहता है कि तुम्हें हर किसी से ऐसा लड़ना नहीं चाहिए वरना तुम बड़ी। नामसुन हीशिक को कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और अब जाओ यहाँ से, मुझे भी जाना है, बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी हीशिक कह रहा होता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। तभी हीशिक वापस अंदर आ जाता है पुलिस स्टेशन की और देखता है कि उनका पूरा पुलिस स्टाफ एक वीडियो देख रहा है जिसमें नामसुन बहुत बड़े पेड़ को उठाए हुए हैं, तो कहता है कि लड़की कितनी स्ट्रांग है। और तभी हीशिक को पता चल जाता है कि सच में उसके पास सुपर पावर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। सोचता है कि सही में उसने मुझे निकर पहन के डांस करते हुए देखा होगा और वो एम्बेरस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गुमजो को दिखाते हैं जो हेरिटेज क्लब में ही होती है। तभी वहाँ पर शियो आ जाता है और वो उसको हेलो बोलता है। तभी एक लेडी आती है और वो उन लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस कराती है, बताती हैं कि ये गोल्ड ब्लू शॉप की CEO हैं हुआन गिमजो, और शियो को बताती हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल कंपनी डोंग के CEO हैं। वो एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं और शियो बोलता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम लोग नए नए अमीर बने हैं। तो कहती है अच्छा तुम भी नए अमीर बनी हो? तो कहती है कि ये जो ख़ानदानी अमीर होते हैं मुझे इनसे बहुत नफरत है क्योंकि ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। शियो उसे कहता है कि अब हम लोगों का आपस में मिलना लगा ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हवाजा अपने फ्रेंड्स को लेकर घर पर आती है और वहाँ पार्टी कर रही होती है और वो लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं और मिस जंग को कहते हैं कि चाय वो बाहर पार्क में पियेंगे। सीन में दिखाते हैं कि उनकी चाय का इंतज़ाम करा जाता है बाहर पार्क में और मिस जंग वहाँ से चली जाती हैं। तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अरे यार क्या है यहाँ पे ये सब, कोई इतना अमीर कैसे हो सकते हैं, लोगों के पास तो बहुत ही पैसा है, तुम्हारे तो मज़े हैं। और वो पूछते हैं कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम इस सेक्रेटरी को यहाँ से भेजो और हम सब कुछ यहाँ से लेकर चलते हैं। तभी हवाजा कहती है कि मेरा माइंड चेंज हो गया है, अब मैं इनकी बेटी बनकर इसी घर में रहूँगी और ज़िंदगी भर ऐश करूँगी। अपने दोस्तों को एक वीडियो भेजती है और कहती है कि शायद ये लड़की असली नामसुन हो सकती है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहले ही ढूंढ के ठिकाने लगा दो। और ये लड़की कोरिया की नागरिक भी नहीं है, अगर ये मर भी जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कि गुमजो ने बताया था कि ये बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ चार लोगों से बात नहीं बनेगी, तुम और लोगों को भी लेकर जाना। नेक्स्ट सीन में हम गिलजोंग को देखते हैं, वो पार्किंग में आती है और वहाँ पहले से ही उस आदमी ने पुलिस बुलाई होती है जिसकी कार गुमजो ने पलट दी थी। वो कहता है कि शायद इसी ने ही मेरी कार पलटी है। तभी गिलजोंग पुलिस वालों को कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और गिलजोंग कहती है कि मैंने इस आदमी को फ़ोन करके कहा था कि तुम्हारी कार मेरी कार के आगे खड़ी हुई है, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे उल्टा सीधा कहने लगा, कहता है कि तुम घर बैठ के पोते पोतियों के डायपर बदलो।
तभी गिलजोंग कहती है कि अगर इस तरह के घटिया आदमी इस बिल्डिंग में आके रहने लगे हैं तो अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो पार्किंग एरिया की सीसीटीवी देख रहे होते हैं कैसे गिलजोंग ने उसकी कार को पलट दिया और वो अपने बारे में बताने ही वाली होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको पहचान जाता है कि आप मजांग डोंग की क्वीन हो, आपके किस्से हमारे यहाँ पर बहुत मशहूर हैं और सब आपके बारे में जानते हैं। से आपने बाज़ार के सभी लोगों की सुरक्षा की थी जब वहाँ पर कुछ गुंडे लोग अपना कब्जा करने आए थे। अपने पास एक सीन दिखाते हैं कि मजांग डोंग के लोगों की कैसे गिलजोंग ने रक्षा की थी और उसका 3 दिन पहले ही बच्चा हुआ था। आदमी गिलजोंग पर चिल्लाने लगता है कि मेरी कार डैमेज हो गई है ये वो। तभी गिलजोंग कहती है कि तुम अपनी कार को जाके चेक करना, वो ज़रा सी भी डैमेज नहीं है, मैंने बहुत आराम से उसको उल्टा उठा के रखा था। वो कहता है कि वो कार मेरे लिए मेरे बच्चे जैसी थी। तभी वो उसको मारती है और वो बेहोश हो जाता है। वो कहती है कि ऐसा आदमी है, इतना बड़ा शरीर है और एक थप्पड़ भी सहन नहीं कर पाया। वो वहाँ से निकल ही रही होती है और उसके हाथ में पैसे रखती है, कहती है कि घर जाते हुए अपने लिए एक अच्छा सा माउथ वॉश ले लेना, तुम्हारे मुँह से गटर जैसी बदबू आती है। और जैसे वो बाहर जा रही होती है तभी एक आदमी की एंट्री होती है। उसका नाम मिन ह्यूक है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ बोंग सून से मिलने आया होता है। जोंग उन दोनों को दूर खड़े होकर देखने लगती है और ये दोनों वही हैं जो कि आपने स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंग सून में देखे थे, ये वहाँ उसकी मेन कास्ट है। मिन वो यहाँ आकर पूछता है बोंग सून से कि तुमने क्या किया है, तो वो उसको बताती है कि ये दो लोग बेचारे बेजुबान कुत्तों को पकड़ रहे थे और किसी को बेच रहे थे, बस मैंने उनकी रक्षा करी है और मैंने इनको ज़्यादा नहीं मारा, थोड़ा सा ही मारा है। तभी पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि सर आपकी बीवी ने इनको बहुत बेरहमी से मारा है। तो अपनी वाइफ का साइड लेते हुए कहता है कि मेरी वाइफ ने बेजुबान जानवरों की रक्षा की है और आप इनके अगेंस्ट केस करो। तो वो लोग बयान दे रहे होते हैं, बयान भी नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि आपकी बीवी के मारने की वजह से बयान भी दे नहीं दे पा रहे। तो वो कहता है कि चलो मुँह से बोल नहीं पा रहे, लिख तो सकते हैं ना, उनको पेन और पेपर देते हैं। वहाँ पर गिलजोंग आ जाती है और कहती है कि इन लोगों की पिटाई तो बहुत बेरहमी से की गई है, इनके घर वाले भी इनको पहचान नहीं पाएंगे। तभी गिलजोंग बोंग सून को अपना इंट्रोडक्शन देती है और गिलजोंग भी उससे पूछती है, तो उनको पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे के रिलेटिव हैं। वो उससे माफ़ी मांगती है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें गंगनम में आना पड़ा। तो वो कहती है कि एरिया तो गैंगस्टर्स का होता है, हम लोग तो सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि ये हमारे रिलेटिव हैं, कहती है कि तुमने बहुत ही स्मार्ट लड़के से शादी करी है। वो वहाँ से उन दोनों से मिलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बोंग गो नामिन के कैफ़े में आया होता है, मिन टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा होता है और वो उससे पूछता है बोंगो से कि तुम्हें क्या पूछना है। बोंगो उसको कहता है कि तुम मेरे को बताओ कि नामिन कि हमें नामसून कब मिलेगी। वो उसको बताता है कि जब मुसीबत का समय होगा वो खुद आएगी, सबकी रक्षा करेगी, वो हमारे सामने खुद आएगी हमसे मिलने। सीन में दिखाते हैं कि नामसून को एक जॉब मिल गई है जहाँ पर वो किसी मूवी या ड्रामा के लिए जूनियर कास्ट का रोल कर रही होती है। ऐसे ही उसके पाँव के पास लकड़ी लाई जाती है, लकड़ी टूट जाती है। तो कहते हैं लकड़ी टूट कैसे गई, तभी नामसून कहती है वो ये मेरी गलती है, ये मेरे पैर से टूट गई होगी। कहती है मुझे तो मामूली सा रोल नहीं करना, तो मुझे कोई और बड़ा रोल दो। तो उसको एक बड़ा रोल देते हैं जिसमें उसको किसी लकड़ी के फट्टे पर लटकाया जाता है और लकड़ी से मारा जाता है, तो उससे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब लंच टाइम हो जाता है तो उनको नॉर्मल लंच करने के लिए दिया जाता है और जो वहाँ की मेन कास्ट थी या जो सीनियर एक्टर्स थे उनको अच्छा लंच करने के लिए दिया जाता है। तो वो कहती है कि जब हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत से काम किया है, तो हम लोगों को अलग अलग ट्रीट क्यों दिया करा जा रहा है, और मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं वही खाना खाऊंगी। तो वो वहाँ जाकर पूरे ट्रक को धक्का लगाकर ले आती है और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो सब लोग वो अच्छा वाला लंच कर रहे होते हैं। जूनियर कास्ट उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने हमें इतना अच्छा लंच कराया। और वहाँ पर वो लकड़ी के फट्टे पर लोगों को जंप करा रही होती है और लोग बहुत ऊँचा ऊँचा जंप कर रहे होते हैं। एक सीन में हिशिक को दिखाते हैं, उसको पता चलता है कि जो मंगोलिया से फ़्लाइट आई थी उसका एक पैसेंजर मर गया है जो काफ़ी यंग था। जैसे ही उसकी डिटेल देखता है तो वो पहचान जाता है तो वही मास्क वाली लड़की है जिसने कहा था कि वो नर्स है। और वो उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और देखता है कि वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं मिला और जो उसका फ्रिज है वो प्रॉपर खाली है। ऐसा लगता है कि जो वहाँ रहता था वो कुछ खाता पीता नहीं था या फिर उसको ड्रग्स की वजह से भूख नहीं लगती थी। वो कहता है कि उसका वज़न अप्रॉक्सीमेटली 10 kg कम हो गया था, और इतने कम दिनों में इतना ज़्यादा वज़न कैसे कम हो सकता है। तभी उसको वहाँ पे एक मास्क मिलता है, वो उसको ऐसे ही उठा लाता है। इनमें एक फॉरेंसिक लैब का सीन दिखाया जाता है जो बताते हैं कि ये कुछ सिंथेटिक ड्रग्स है और जो तुमने मिल्क बॉटल में फार्मूला दिया था वो और ये कुछ सिमिलर ही है, इनको शायद एक ही फार्मूला से बनाया गया है और ये सिंथेटिक ड्रग्स है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है अभी तक। सीन में शियो को दिखाया जाता है जो अपने लैब में आता है जहाँ पर उसके जो साइंटिस्ट होते हैं वो ड्रग्स की जांच कर रहे होते हैं और दिखाते हैं दूर से कि ये बहुत ही सुनसान एरिया में इन्होंने ये प्लेस बनाया है जहाँ पर वो ड्रग्स को टेस्ट कर रहे होते हैं।
ही शिक नाम सोन के घर जाता है और देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है, तो सोचता है वो कहाँ हो सकती है और वो उसको फ़ोन लगाता है। जब वो उसको फ़ोन करता है तो वो उसकी कॉल नहीं पिक करती है। ही शिक कहता है कि मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है। फिर कहता है वो क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे एक बेचारी लड़की की परवाह हो सकती है। तभी उसकी एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि तुमने मुझसे मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट पूछी थी, और वो उसको रिपोर्ट भेज देता है। उसी में गंगनाम सोन का भी नाम होता है, जिसके पेरेंट्स बोंगो ह्वाजो ग्युंग जो होते हैं, वो समझ जाता है कि गंगनाम सोन गुंजो की ही बेटी है। सीन में गुंजो को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही होती है, वो कोई ट्रांजेक्शन करती है और कहती है कि लोग कितने गरीब हैं। तभी उसके ऑफिस में मिसेस जंग आ जाती है और वो कहती हैं कि मैंने देखा है वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और वो आपकी असली बेटी नहीं है। तभी गुंजो से कहती है कि उसके साथ थोड़ा प्यार से बर्ताव करना, मैं किसी गरीब का दिल दुखाना नहीं चाहती, अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगी तो कोई मेरी नामसोन के साथ भी बुरा करेगा। दिखाते हैं कि नामसोन उस इंसान से मिलने आती है जो उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो कहती है ये लो मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, ऐसे ही मैं कमाऊँगी, मैं तुम्हें और दे दूँगी। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे बताया और वो मुझ पर केस करने वाली है, पर उसकी असली वाइफ होती है। और जैसे ही नामसोन बाहर आती है उसकी वाइफ उसको मारने लगती है। वो कहती है साइकिलिंग के बहाने तुम ये करते थे। पर नामसोन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं आपस में। इनमें दिखाते हैं कि नामसोन अपने दो दोस्तों के साथ घर की तरफ जा रही होती है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी जॉब की बात कर ली है। बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो नामसोन को कुछ दिखाई देता है। वो बहुत दूर से देख लेती है कि बहुत सारे लोग उनका घर तोड़ने आए हैं, जो उन्होंने घर बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया है। नामसोन जैसे ही वहाँ पहुँचती है उनको रोकती है, लेकिन वो लोग पूरी तरह से घर तोड़ चुके होते हैं। नामसोन कहती है कि मेरा घर पहले जैसा वापस बना दो, लेकिन वो लोग उसके साथ लड़ने लगते हैं और नामसोन बहुत उनसे फाइटिंग कर रही होती है। और हिशिक को पता चलता है कि कुछ लोग जाके हान रिवर के पास उनका घर तोड़ रहे हैं, तो हिशिक भी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। लेकिन जब तक हिशिक वहाँ आता है देखता है कि नामसोन ने सब लोगों को मार दिया है। वहीं पर दूर ह्वाजा भी खड़ी होती है और वो कह रही है के पास जाता है, पूछता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो, तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहती है कि इन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँगी। और दोस्त होते हैं वो लोग भी रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग चले जाएंगे तो हमारी फिक्र मत करो। हिशिक कहता है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, तो उसको अपने साथ अपने घर पे ले जाता है और बोलता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, तो वो बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। तभी नामसोन कॉल लगाता है गुंजो को, कहता है कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं, क्या वो आपको मिल गई है उसको। तभी अचानक से नामसोन बाथरूम के बाहर आ जाती है और जो हिशिक की शर्ट में होती है उसको देखकर थोड़ा सा वो चौंक जाता है और वो गुंजो को कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर गुंजो उसको कॉल करती है हिशिक को और कहती है क्या मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता है मेरी ही पास है। तो कहती है क्या तुम मेरी बात करा सकते हो। हिशिक कहता है कि वो बहुत थकी हुई थी और सो गई है, अगर तुमसे बात करती तो रात भर सो नहीं पाती। वो कहती है ठीक। हिशिक नामसोन को बताता है कि शायद मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढ लिया है। वो उसको थैंक यू बोलती है। हिशिक उसके लिए कपड़े लेकर आया होता है जिसको पहनकर वो रेडी हो जाती है और काम पर जा रही होती है। हिशिक अपना फेस वॉश कर रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो बताते हैं कि जो भी हमने सामान भेजा था फॉरेंसिक में वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला है, किसी भी चीज़ में ड्रग्स नहीं है। मास्क से पढ़ता है तो देखता है कि उसमें से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है। कहता है शायद ही कुछ ड्रग्स जैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि शायद मुझे कुछ मिल गया है। हमें दिखाते हैं कि गुंजो भी अपनी बेटी से मिलने जा रही होती है, वो बहुत ट्रैफिक में फंस जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि नामसोन भी कहीं जा रही होती है और तभी उसको एक बिल्डिंग में आग लगने का पता चलता है। और हम देखते हैं कि नामसोन उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और आग लगी बिल्डिंग में से कुछ बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर लाती है। और जो भी देखती है कि कहीं दूर बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उसका धुआं धुआं हो, जो भी आ जाती है वहाँ पर, वो देख लेती है कि किस तरह से नामसोन ने दो बच्चों को बाहर बचाया है। नामसोन बहुत थक जाती है, बहुत आग की वजह से उसका दम घुटने लगता है। और देखते हैं कि नामसोन किस तरह से सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुँच जाती है और नामसोन बहुत अनकॉन्शियस सी हो रही होती है। और वो देखती है कि कोई लेडी है जो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गुंजो नामसोन का नाम लेती है और अपना नाम सुनकर वो भी। दिखाते हैं जब नामसोन अपनी माँ की ओर देख रही होती है तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो वहाँ से बाहर गिर जाती है और गुंजो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।